अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आए हैं। तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ कुछ हेल्दी भी शेयर करूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा कॉन्शियस रहती हूँ हेल्दी चीज़ों के लिए। वैसे तो खाने सभी अच्छे होते हैं, बस ये कि तो थोड़ा हम हेल्थ कॉन्शियस की चीज़ें खाएँ तो और अच्छा रहता है, इंसान मेंटेन रहता है। वैसे ही ये पेंडेमिक चल रहा है तो इसमें हमें हेल्दी फूड ज़रा ज़्यादा खाना चाहिए। तो मैं इसी तरह की ज़बरदस्ती लेकर आई हूँ कि आप लोगों को मज़ा भी आए और सब खा सकें, बच्चे बड़े सब लोग ना मज़े से खा सकें। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। रेसिपी शुरू करने से पहले, आप लोग मेरे चैनल पर अगर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें और पहले नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। तो चलें, अच्छा मेरी जो ये मैं लेकर आई हूँ हेल्दी सैलेड की रेसिपी। और मैंने अपनी जो वेजिटेबल्स हैं ये पहले ही काट ली। मैं बता देती हूँ कि ये मेरे पास कौन कौन सी वेजिटेबल्स हैं। अच्छा, ये मेरे पास है वेजिटेबल में केल, चिकोरी, स्प्राउट, ब्रेजल, ब्रोकली एंड ग्रीन कैबेज। ये सब को जो है ना मैंने बारीक बारीक इस फॉर्म में काट लिया है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी कि ये मेरे पास कौन कौन सी मैंने वेजिटेबल्स ली हैं। ये यहाँ पर आई थिंक हर जगह ही अवेलेबल होगी। तो और वैसे आप लोगों के पास जो आप लोगों को लाइक हो आप लोग वो भी ले सकते हैं। तो ये देखें, ये सब इस तरीके से आप जैसे बिल्कुल फ्राइज जैसे आलू काटते हैं उस फॉर्म में भी अगर चाहें तो काट लें, और जैसे क्या कहते हैं जितना आप बारीक लाइट मतलब जितना आप लोग अच्छा लगता है, थोड़ा सा स्मूथ में कटा हुआ होता है, थोड़ा सा पतला सा तो वो अच्छा रहता है। एनी वे जैसे सैलेड कटती है आप लोगों सबको आइडिया होगा। अच्छा, ये मैंने एक क्यूकम्बर है, एक मेरे पास ये एप्पल है और ये मैंने ली है रेडिश रेड। मेरे पास ये रेड रेडिश है यानी कि मूली रेड वाली, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो चलें, हमें एक लेमन की भी ज़रूरत है तो हम लोग एक लेमन भी इसमें डालेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं कि हमें इसके अंदर हम एक क्यूकम्बर अपना डाल रहे हैं, एक हम लोग एप्पल फुल। आप लोग चाहे तो एप्पल को थोड़ा सा काट भी सकते हैं, हल्के से छिलके उतार सकते हैं, लेकिन उसमें नहीं डालते। और ये रेड मूली सो गोडी बहुत ज़बरदस्त होती है और आप लोगों को मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई थिंक कि सबको ही बहुत पसंद आएगी। अच्छा, ये मेरे पास क्रैनबेरी है। आप लोग चाहें अगर आप लोगों को और भी फ्रूट्स पसंद हैं जो सैलेड में डालना चाहें आप लोग डाल सकते हैं। तो ये मेरे पास है क्रैनबेरी, ये मैंने और पम्पकिन सीड, तो मैं अपने ये भी इसमें डाल दूंगी। ये मेरे पास फुल हैंड पम्पकिन सीड और क्रैनबेरी है। तो ये देखें, हम अच्छे से इन सबको मिक्स एंड मैच कर लेंगे। ये तो इतनी ज़बरदस्त रहती है ना कि आप लोगों को जो है वो फुल खाने में भी और इसमें भी मज़ा आए। तो ये इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स एंड मैच कर लिया है। आप लोग चाहें तो इसमें और भी अच्छे से फूड ऐड करना चाहें, मुझे इतना ही अच्छा लगता है। अच्छा, मैं एक और बात आप लोगों को बताती चलूँ कि ये इतना ज़बरदस्त है कि अगर आप दोपहर में अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो उसके लिए तो ये बेहतरीन है, बहुत ही ज़बरदस्त है कि आप इसके साथ जो है एक स्मूदी का ग्लास ले लें, दो बॉयल एग्स ले लें अंडे, और आप ये फुल बॉल भर के इसको खा लें तो ये आप लोगों के लिए। और जब हमारे कोई गेस्ट आ रहे हैं और सैलेड, ये बहुत ही ज़बरदस्त सैलेड रहती है और बहुत ही ईजी भी है बनाना इसको। अच्छा, ये मेरे पास लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है ये मेरे पास। ये मैंने 10 स्पून है मेरा, मैंने ऑरेंज को निकाल लिया ऑरेंज जूस। आप लोग भी चाहें तो इसको डाल सकते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये हम चारों तरफ ऐसे ना इसको फैला के डाल देंगे।
ये हम इसमें हाफ लेमन है ये डाल देंगे अच्छे से निचोड़ के। ऑरेंज जूस से टेस्ट बहुत अच्छा जो है ना वो सबका आ जाता है। और ब्रोकली स्प्राउट ये तो बहुत ही जबरदस्त जो है ना वो रहता है। अच्छा ये मेरे पास गार्लिक सॉस है, इसके अंदर मैंने अपनी होममेड बनाई हुई है, तो इसके अंदर सब चीज़ें जो हैं वो मैंने ब्लैक पेपर सॉल्ट वाइट पेपर एवरीथिंग डाल दिया। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये इसमें डालने के बाद तो इसका टेस्ट बहुत ही बहुत ज़बरदस्त आता है, बहुत मज़े की लगती है। मैं ये एवरी डे जो है वो दोपहर में लंच में अपना ज़रूर लेती हूँ ये सैलड और एक स्मूदी। स्मूदी भी मैंने अपनी काफ़ी शेयर करी हुई है, मैं उसका लिंक आप लोगों को दे दूँगी, तो आप लोग जो है वो उसको इसके साथ ज़रूर लीजिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो हम ये अपनी पूरे जो सॉस है ये हम डाल देंगे। और हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। बस कोशिश करें कि आप लोगों का मिक्स एंड मैच जो है बहुत अच्छे से हो जाए। अच्छे से ये देखें और अब इसको आप खाएं तो इतना ज़बरदस्त इसका मज़ा आएगा। और जो अगर आप अपनी किसी दावत में भी इसको सर्व करना चाहें तो इसका जो है वो बहुत आप यकीन जाने कि आप सब लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और इसके जो है वो काफ़ी फ़ायदे भी हैं, वैसे भी वेजिटेबल्स तो हर वेजिटेबल्स में अल्लाह ताला ने जो है वो इतने ज़बरदस्त इसके बेनिफिट्स रखे हुए हैं। तो वेजिटेबल्स तो आपको हर मील के साथ ज़रूर लेनी चाहिए कोई भी जो है वो वेजिटेबल। तो ये देखें ये हमारी अच्छे से रेडी हो चुकी है। तो देखें आई होप आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और जो है वो ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। चलिए चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़।